फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। और ये देख रहे हैं खूबसूरत प्लांट। इस प्लांट्स को वैसे राजस्थान का गुलाब भी कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स लग रहा है गाइस। इसमें मेरे पास ये वाला कलर है, जिसमें दो तरीके के कलर हैं एक फ्लावर्स में, देख रहे हैं। बड़ा ही ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा है। और ये जो कल खिला है उसका कलर देखिए, और जो आज खिला है उसका कलर देखिए। तो ये कई दिन तक स्टे करते हैं प्लांट्स में जब खिलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन खिला और उसी दिन झड़ गया, ऐसा नहीं है गाइस। कई दिन स्टे कर जाते हैं ये प्लांट्स में। और बड़ा खूबसूरत लग रहा है आज। और बर्ड्स भी आ रही हैं अभी कुछ एक, जैसे कि ये। और अभी मैंने इसको बहुत छोटा सा ला कर के ग्रो किया है। और आपको बताऊँ इस प्लांट्स की बात, इस प्लांट्स को मैं जब लाई ना, बहुत छुटकू सा था, बहुत छुटकू सा, कैसे बताऊं मैं आपको। और दूसरी बात बताऊं, मैं इस प्लांट को लाने के बाद, ये अगर जो थोड़ा सा बड़ा प्लांट लो ना, महंगा मिलता है। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं हमेशा ज़्यादा पैसे प्लांट्स में खर्च नहीं करती हूँ। नर्सरी जाके खोजबीन करती हूँ पहले कि कोई छुटकू सा प्लांट हो जो थोड़ा सस्ता मिल रहा हो, वो लाती हूँ और अपने घर में ही ग्रो करना पसंद करती हूँ उसे। और ये गाइस बहुत छोटा आया था, और अब उसके बाद मैंने इसकी कटिंग करी। यहाँ से कटिंग करने के बाद देख रहे हैं ये ब्रांचेस अलग होती चली गई। उसके बाद फिर ये देखिए इधर से निकली है कि नीचे से निकल रही है। एक ब्रांच ये निकली है नीचे से, एक ये निकली है, ये निकली है। तो ये पूरा छुटकू सा प्लांट आया था और इसमें ब्रांचेस की भरमार है। दूसरा, ब्रांच अगर ज़्यादा हैं तो मैं आपको बताऊं फ्लावरिंग ज़्यादा होती है। तो जैसे अभी इनमें फ्लावरिंग हो रही है, फिर ये देख रहे हैं इनमें सब में बर्ड्स आएगी। जितनी भी इसमें ब्रांचेस दिख रही हैं ना आपको, सब में फ्लावरिंग होती है। बहुत खूबसूरत प्लांट है ये। तो गाइज़ आप भी इस प्लांट्स को ला के लगाएं, बहुत खूबसूरत है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा लगा, और इसमें फ्लावरिंग होती है, कई दिन तक चलती है गाइज़। जब तक ज़ोर से हवा ना आए, हवा का झोंका उसकी वजह से झड़ जाए या फिर हम हटा दें तो, वरना इसकी जो फ्लावरिंग है वो कई दिन चलती है, फिर से बता रही हूँ। और रही बात इसकी केयर की, तो केयर की बात बताऊँ तो बहुत इजी प्लांट है, बहुत इजी। इसकी कोई ख़ास डिमांड नहीं है, बस इसकी जो मिट्टी है, गार्डन सॉयल, वो अच्छी होनी चाहिए। और खाद दे दीजिए गोबर की, ज़्यादा कुछ मैंने इसके साथ किया नहीं है। हार्ड धूप का पौधा है गाइस ये, इसको कोई इंडोर रखने वाली वो नहीं है, इसको आप हार्ड धूप में रखें। अभी मैंने इसको इंडोर आपको शेयर करने के लिए ला के रखा है, अन्यथा ये बहुत हार्ड धूप में चलने वाला प्लांट है। अगर एक बार आप ये लगा लिया, जल्दी जाता नहीं है। और आप इसकी ब्रांच कट करके भी लगा सकते हैं अपने यहाँ पर। तो फिलहाल मेरे पास ये यही एक प्लांट है, और मेरा मन है लाल रंग का जो फ्लावर आता है ना, वो प्लांट्स लाने का, तो कभी मिल गया। वैसे ये भी जब मैं लाई ना, तो इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी गाइस, छोटा सा था, उसमें कहाँ से फ्लावरिंग होगी, बस ले आई थी मैं। अब जब इसमें फ्लावरिंग हुई है तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। छोटी इतनी खूबसूरत फ्लावरिंग हुई है, दो कलर की, बहुत खूबसूरत लग रही है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो भाई बहन पहली बार मेरे चैनल पर आ गए हैं, उनसे कहना चाहूँगी सब्सक्राइब कर लें मेरे इस चैनल को, ताकि आप लोगों को इसी तरीके की ईजी अपडेट देती रहूँ। बाय फ्रेंड्स।